नमस्कार दोस्तों, सभी देशवासियों को 73वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही जम्मू कश्मीर एवं लेह लद्दाख वासियों को भी भारतीय नागरिक के रूप में पहली बार तिरंगा झंडे के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने पर दिल से बधाई। जब से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा धारा 370 और 35 हटाई गई है, तभी से एक के बाद एक कुछ राजनेताओं द्वारा इसके विरोध में अनावश्यक बयान दिए जा रहे हैं। ये बयान पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित हैं और इन अनावश्यक बयानों की वजह से ही देश विदेश में भारतीय राजनीति का मजाक सा बन गया है। धारा 370 और 35 हटाने का सरकार का फैसला पूरी तरह से न केवल देशहित में है, बल्कि इससे जम्मू कश्मीर व लेह लद्दाख के लोगों का भी भला हुआ। सभी देशवासियों ने मोदी जी को बहुमत से सत्ता में बिठाया है, तो उनके फैसले को सभी देशवासियों को न केवल स्वीकार करना चाहिए, बल्कि सभी देशवासियों का ये कर्तव्य बन जाता है कि वे भारत सरकार के इस फैसले को सही और न्यायोचित साबित करने के लिए अपने बेहतर प्रयास करें। और साथ ही साथ समझ जम्मू कश्मीर एवं लेह लद्दाख निवासियों का भी ये कर्तव्य है कि वो अपने आप को एक अच्छे नागरिक के रूप में भारतीय नागरिकता दिए जाने के भारत सरकार के फैसले को सही साबित करें। पूरा देश व भारत सरकार जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ है। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद अब वह केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। वहाँ अब तेज़ी से विकास होगा, वहाँ के प्रशासनिक कर्मचारियों के वेतन भत्तों में बढ़ोतरी होगी, वहाँ नए नए उद्योग धंधों की स्थापना होगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, बेरोजगारी कम होगी, स्कूल कॉलेज व चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार होगा, लोगों को वहाँ पहले से अधिक आधारभूत सुविधाएँ प्राप्त होंगी। अगले कुछ सालों में जम्मू कश्मीर के लोगों के जीवन स्तर में काफ़ी हद तक सुधार होगा और वो पहले से अधिक बेहतर सुविधाओं वाला जीवन यापन व्यतीत कर सकेंगे। उम्मीद है कि आने वाले कुछ वर्षों में जम्मू कश्मीर के लोग एक भारतीय नागरिक होने पर गर्व महसूस करेंगे, साथ ही साथ वे अपने आप को एक अच्छा और देश भक्त भारतीय नागरिक साबित कर देश को विकास की राह पर ले जाने में अपना योगदान देंगे। इस वीडियो में बोली गई समस्त बातें मेरी अपनी निजी विचारधारा हैं, इसका राजनीति से किसी भी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।